और उसके साइज के बिग होने की वजह से उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है तो हम क्या करते हैं हम उस बिग प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं डिवाइड करते हैं हम उसको किस में स्मॉलर प्रॉब्लम्स में वो स्मॉलर प्रॉब्लम्स बेसिकली नेचर में सिमिलर होती है अपनी बिग प्रॉब्लम के ठीक है क्योंकि वो ही बिग प्रॉब्लम है जिसको आप स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हो और वो स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड होने के बाद भी दोनों जो है बिग प्रॉब्लम स्मॉल प्रॉब्लम्स सिमिलर रहती है नेचर में तो उसके बाद ये होता है कि हम स्मॉलर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद उनको कंबाइन करते हैं ताकि हमें जो बिग प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके तो दिस इज सिंपली अ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इस मर्थ शॉर्ट टेक्निक में भी हम यही करेंगे कि हम उस डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करते हुए अपनी बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में यानी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसे कंबाइन कर देंगे जिसके बाद हमें हमारी जो है बिग प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा तो बिफोर स्टार्टिंग मर्द एल्गोरिदम आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक आवर वीडियो शेयर इट विद येंड्स

और जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो हम h से डिनोट करेंगे ठीक है तो उसके बाद हम अब एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले इफ कंडीशन है इफ कंडीशन में लोएस्ट इंडेक्स को यानी एल को हम कंपेयर करेंगे एच के साथ अगर तो एल लेस देन एच है तो हमारी कंडीशन ट्रू है और अब हमने क्या करना है अब हमने मिड पॉइंट अपने एरे का फाइंड आउट कर लेना है उसको फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि हम लो प्लस हाई उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे टू के साथ ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था यहाँ पर जीरो लो इंडेक्स और एज था हमारा टू जीरो प्लस टू इज टू टू डिवाइड बाई टू इज वन सो हमारा जो मिड है वो वन होगा ठीक है अब यहां हम अगेन मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं रिकर्जन हो रही है अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि रिकर्जन क्या होती है रिकर्जन ये होती है कि एक ही फंक्शन जो है वो फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है वेन अ फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ अगेन एंड अगेन देन वी से दैट दिस इज रिकर्जन ठीक है तो अब ये रिकर्जिव फंक्शन है ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है जब यहां से कॉल जाएगी तो कंट्रोल वापस स्टार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि देखिए नेम सेम है ना देखियेम फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है कब तक जब तक तक जब वो बेस केस तक नहीं पहुंच जाता जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी वो खुद को कॉल नहीं करेगा बल्कि वो कंट्रोल वापस आ जाएगा उसी पॉइंट पे जहां से रिकर्सिव कॉल जा रही थी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इन पैरामीटर्स को यहाँ पास करेंगे फंक्शन में एरे हमारा ए ये एरे एज इट इज पास होगी एल लो है लो इंडेक्स जो भी होगा हमारा हम उस इंडेक्स को पास कर देंगे और मिड जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया वो पास होगा रिकर्सिव कॉल्स जाती रहेंगी जिस टाइम हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ वापस आएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है तो यहीं से कंटिन्यू होगा हमारा एल्गोरिदम मर्थ सॉट ए मिड प्लस वन हाई का ये जो एज है ये पैरामीटर्स पास होंगे ये दोबारा इसके लिए रिकर्सिव कॉल्स जाती रहेंगी और जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंट्रोल यहां वापस आ जाएगा यहां वापस आने के बाद लास्ट स्टेटमेंट एल्गोरिथम की एग्जीक्यूट होगी दैट इज मर्ज मर्ज करेंगे हम एरे ए पास हो रहा है एल मिड और एज ये तीनों इंडिसेस हमने पास कर दिए ये तीनों पैरामीटर्स है हमारे पास मेजर डिफरेंस आप ये देख सकते हैं यहां मर्ज लिखा है मर्ज सॉर्ट नहीं लिखा तो ये कोई रिकर्सिव कॉल नहीं जा रही बल्कि ये कोई और फंक्शन है हमारे पास जो कि सारी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है डिवाइडेड सब एरेज को कंबाइन करने के लिए उन्हें मर्ज करने के लिए ठीक है इसकी फंक्शनैलिटी क्या है इसके अंदर क्या वर्किंग हो रही है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके okay, अब हम मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम को ड्राई रन के थ्रू समझेंगे ड्राई रन में हमारे पास एक एरे है जिसमें सिक्स एलिमेंट्स हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी आप देख रहे होंगे कि ये तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हैं लेकिन यहाँ पर इसकी सॉर्टिंग ऑर्डर या अनसॉर्टेड ऑर्डर से ज्यादा मुझे पहले ये एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली ये एरे डिवाइड हो कैसे रही है और फिर ये मर्ज कैसे हो रही है यहाँ मर्जिंग का जो फंक्शन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करके तमाम एलिमेंट्स को फिर आपको ड्राई रन बताऊंगी यहां हम समझेंगे कि यहां तक मर्ज मर्थॉट तक ये जो रिकर्जिव कॉज जा रही है यहां तक काम हो कैसे रहा है ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल और एच ये दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था यहाँ जीरो यह हमारा लो है और ये हमारा हाई है ठीक है ये फाइव इंडेक्स अब हमने क्या करना है हमने चेक करना है कि क्या लो हाई से लेस है एल यहां पर जीरो है हाई यहां पर फाइव है तो यस इट इज ट्रू लो इज लेस देन हाई जीरो इज लेस देन फाइव तो ये कंडीशन ट्रू हो गई अब हम मिड कैलकुलेट करेंगे मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि हम हमारे दोनों इंडेसेस को ऐड करके टू पर डिवाइड कर देंगे यहां पर देखते हैं कि लो इंडेक्स है हमारे पास जीरो और हाई इंडेक्स है फाइव और उसको हमने टू पे डिवाइड कर देना है ठीक है यानी फाइव डिवाइडेड बाई टू That is equal to 2 अब ये जो पार्ट है हम इसको इग्नोर कर देंगे पॉइंट फाइव को वट इज द रीजन बिहाइंड इग्नोरिंग इट द रीजन बिहाइंड इग्नोरिंग इज दैट हमारे पास ये जो वेरिएबल्स है ना ये इंटीजियर फॉर्म में है और ये भी इंटीजियर डेटा टाइप में है तो जब इंट डेटा टाइप होती है तो ये हम जो ये पार्ट होता है ना डेसीमल के बाद हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो अब हमारे पास बेसिकली आंसर क्या है टू तो हमारा मिड क्या कैलकुलेट हुआ है हम कहते हैं ठीक है तो अब हमारा मिड यहाँ पर टू आ गया है अब हम मर्ज सॉर्ट में पैरामीटर्स को पास करेंगे अगेन एरे एज इट इज पास होगी लो लो हमारा जो इंडेक्स है वो क्या है लो हमारे यहाँ पर जीरो है तो हम उसमें जीरो को पास करेंगे और मिड हमारे पास यहाँ क्या गिवन है मिड हमने कैलकुलेट किया टू तो हम यहाँ टू पास करेंगे जीरो और टू पास होगा यानी सॉर्ट को दोबारा कॉल जाएगी और यहाँ पर लो इंडेक्स जो है वो हमने यहाँ पर क्या जीरो पास किया है वो जीरो बन जाएगा मिड पास किया है टू जैसे यहाँ पर जीरो टू पास हो रहे हैं हम दोबारा से इफ कंडीशन में चेक करेंगे क्या जीरो लेस टू है इससे पहले आप देख सकते हैं कि जब हमने मिड फाइंड आउट कर लिया है ना मिड के फाइंड आउट करते ही हमारी जो एरे है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है मिड पॉइंट हमने निकाल लिया और अब ये डिवाइड हो चुकी है जीरो से लेकर टू तक थ्री से लेकर फाइव तक अब हमारा लो और हाई चेंज हो गया हमने वो पास किए हैं पैरामीटर्स एल हमारा जीरो है मिड हमारा टू है तो so वो यहां पर लो और हाई बन जाते हैं जीरो टू ये एक और सब एरे हमारे पास फॉर्म हो गई है स्मॉल प्रॉब्लम है बिग प्रॉब्लम में जीरो और फाइव थे इंडिसेस और यहां पर अब स्मॉल प्रॉब्लम है तो जीरो टू हो चुके हैं डिवाइड हो गई है छोटी हो गई है प्रॉब्लम ठीक है अब जीरो लेस देन टू कंपेयर किया हमारी कंडीशन ट्रू है अगेन मिड फाइंड आउट करेंगे जीरो प्लस टू इज टू एंड टू डिवाइडेड बाय टू इज वन अब हमारा मिड क्या है वन ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ यही डिनोट करिए कि ये अब पार्टीशन हो गई है ये ठीक है अब हमने दोबारा से मर्थ सॉर्ट में इन दोनों इंडेस को पास करना है एल यहां पर क्या था जीरो और मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था वन तो वन पास होगा जीरो वन पास होने के बाद दोबारा यहाँ से कॉल जाएगी तो अब हमने देखा ये डिवाइड हो चुकी है जीरो और वन ये एक सेपरेट एरे बन चुकी है और ये एक सेपरेट सब एरे बन चुकी है ठीक है इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है इसलिए हम उसके लिए मिड पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर रहे अब उसके बाद ये जीरो वन डिवाइड हो चुका है अब हमने जीरो वन को पास कर दिया था हमने इफ कंडीशन को चेक किया क्या जीरो लेस देन वन है जी है अब हम मिड को दोबारा कैलकुलेट करेंगे जीरो प्लस वन इज वन एंड वन डिवाइडेड बाई टू इज वॉट इट इज जीरो पॉइंट फाइव अब 0.5 में से आप 0.5 इग्नोर कर दोगे तो आपके हाँ पास जीरो मिड रह जाएगा यानी हमारा मिड जीरो निकल आया तो हमने यहाँ पार्टीशन की और हमारी ये एरे भी एक और सब एरे में डिवाइड हो गई ये देखें ये अलग हो गया ये एलिमेंट अलग हो चुका है जैसे सेकेंड इंडेक्स पर पड़ा एलिमेंट भी अलग हो चुका था क्योंकि डिवाइड हो गई है ना एरे अब तो यहाँ पर दोबारा सब एरे हमारी डिवाइड हुई तो ये मजीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो चुकी है ठीक है सब एरेज में डिवाइड हो चुकी है अब यहाँ पर हम क्या इंडेज पास करेंगे ये, लो भी हमारा जीरो था ऑलरेडी मिड कैलकुलेट किया वो भी जीरो आया जीरो जीरो जाएंगे यहां पर कॉल में यहाँ जीरो और ये भी जीरो है तो अब हम इफ कंडीशन चेक करेंगे क्या जीरो लेस देन जीरो है नो कंडीशन गेट्स फॉल्स हेयर तो हमारा कंट्रोल वापस आ जाएगा इस पॉइंट पर ठीक है अब हम यहाँ पर आप आपको एक छोटे से स्टार से बता देती हूँ ये देखें यहां से ही हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे पहली बार अब हमारा कंट्रोल भी वापस यहीं आ गया है अब इसका मतलब है इससे नीचे जो स्टेटमेंट है हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है यहां आप देख सकते हैं कि जब एक एक एलिमेंट रह जाता है ना तो सब डिविजन मजीद नहीं हो सकती अब जीरो ही लो हो जीरो ही मिड हो और हम उसको पास करें पास करने के बाद वही लो है हमारा और वही हमारा हाई है ठीक है लो इंडेक्स भी ये है हाई इंडेक्स भी ये है ठीक है जैसे यहाँ पर हमने जीरो जीरो को पास किया था इफ कंडीशन चेक करेंगे दोनों इक्वल आ चुके हैं यानी अभी अकेला एलिमेंट रह गया है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे तो इसका मतलब है हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे ये देखें आप इन तीनों को अब मजीद डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे हमने इस एरिया को इस लेफ्ट पोर्शन को सब डिवाइड कर दिया जब तक कि ये एटॉमिक हो गया एटॉमिक का मतलब ये सिंगल एलिमेंट रह जाना ठीक है अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ इस स्टेटमेंट की तरफ इस स्टेटमेंट में कैसे एग्जीक्यूशन होगी सेम बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर पास करेंगे फर्स्ट टाइम हमारा मिड क्या था हमारा मिड जो था फर्स्ट टाइम वो टू कैलकुलेट हुआ था ना तो अब वही मिड हम यहां पर भी कंसिडर करेंगे बाद में जितने भी मिट हमने कैलकुलेट किए हैं ना वो इन सब एरेज के लिए थे उसका हमारे लिए कोई अब ताल्लुक नहीं है वो तमाम अब फिनिश हो चुके हैं अब जो हमारा पॉज जहां पर हमने पॉज करने के बाद रिकर्सिव कॉल्स देना स्टार्ट की थी उसी मिड को हम कंसिडर करेंगे दैट वॉज टू तो यहाँ पर मिड क्या होगा टू टू प्लस वन इज थ्री थ्री को हम पास करेंगे हाई हमारा इंडेक्स क्या है फाइव वी ऑलरेडी नो इट तो अब हम इन दोनों पैरामीटर्स को पास करेंगे यहां पर थ्री यहां पर फाइव यानी अब हमारा लो इंडेक्स क्या है थ्री है और हाई इंडेक्स हमारा फाइव है कंपेयर करेंगे इस थ्री लेस देन फाइव यस द कंडीशन इज ट्रू अब थ्री प्लस फाइव इज एट फाइव सिक्स सेवन एट एट डिवाइड बाई टू इज फोर सो इट मीन्स दैट अवर मिड इज नाउ फोर अगेन मर्ज सॉर्ट यहां पर कॉल जाएगी एरे एज इट इज पास होगी लो हमारा इंडेक्स क्या था थ्री ये देखें थ्री मिड हमने कैलकुलेट कर लिया यहीं से पार्टीशन कर ली मिड क्या है फोर पास करेंगे अगेन यहाँ कॉल जाएगी ठीक है अब यहाँ हमने किस पर पॉज किया है फोर कैलकुलेट किया था हमने मिड जहाँ से हमारी रिकर्जिव कॉल्स जाना स्टार्ट हुई हैं ठीक है थीके? और हम किस पॉइंट पर हैं हम इस पॉइंट पर हैं अब यहां से हमने कॉल दी दोबारा ये यह यहाँ पर चलेगी गई रिकर्जिव कॉल इफ कंडीशन चेक करेंगे इस तरह से हमारी एरे ब्रेक हो गई थी ये थ्री फोर फाइव ठीक है ये मजीद सब डिवाइड नहीं हो सकती है अटोमिक हो चुकी है हमने पहले इसके लिए अब चेक करेंगे अब थ्री है फोर है यहाँ फोर्टी है फिफ्टी ये इस तरह से हमारे पास गिवन है अब हम दोबारा थ्री फोर इन दोनों इंडेक्सेस को चेक करेंगे लो में थ्री है हाई में फोर है क्या थ्री लेस देन फोर है जी है अब हम दोनों को ऐड करेंगे दैट इज सेवन एंड सेवन डिवाइडेड बाय टू होगा हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव हम पॉइंट फाइव को इग्नोर करेंगे थ्री इज द मिड हेयर अगेन लो इंडेक्स इज थ्री मिड इज ऑल्सो थ्री 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 पास करेंगे तो हम यहाँ चेक करते हैं कि अब ये देखिए ये मिड था हमारा हमने डिवाइड कर दिया अब थ्री थ्री हमने एज लो एंड हाई पास किया है ये चेक करने के लिए कि हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं या नहीं क्या थ्री लेस देन थ्री है नहीं कंडीशन इज फॉल्स इट मीन इट कान बी सब डिवाइडेड ओके तो so, यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा ये अलगोरिदम वापस आएंगे जब हम उसी पॉइंट पर तो हम देखेंगे कि ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते इसके लिए भी ऐसे ही कॉल जाएगी ये भी सब डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये अब लो भी यही है हाई भी यही है तो ये नहीं हो सकता ये भी लो भी यही है हाई भी यही है ये नहीं हो सकता सब डिवाइड तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये एटॉमिक एलिमेंट्स बच गए हैं कंट्रोल यहाँ पर वापस आया है कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्योंकि यहाँ फोर पर भी चेक करेंगे तो फोर लेस देन फोर नहीं होता ठीक है तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल वापस आएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर जहां से हमने जाना स्टार्ट किया था ठीक है तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है मर्ज की तो अब ये हमारे पास रन करेगी ठीक है अब मर्ज होना स्टार्ट होंगी ये तमाम सब एरेज ठीक है अब ये जो मर्ज होंगी ना तो मर्ज के लिए मर्ज के फंक्शन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो किस तरीके से इसको मर्ज कर रहा है स्वैप करेगा कंपेयर करके चेक करेगा कि क्या टेन ग्रेटर देन ट्वेंटी है या स्मॉलर देन ट्वेंटी है अगर यहाँ पे ट्वेंटी होता है यहाँ टेन होता तो वो कंपेयर करके ये इवैल्यूएट करता कि ट्वेंटी इज ग्रेटर देन टेन तो पहले वो यहाँ पर टेन को प्लेस करता फिर यहाँ ट्वेंटी को इसी तरीके से कंपेरिजन करते करते इन तमाम सब एरेज को मर्ज करता जाएगा और एज अ रिजल्टेंट एरे हमारे पास ये अरे फॉर्म हो जाएगी वंस अगेन ठीक है ये मर्ज होते जा रहे हैं ये भी रैंडम नहीं है अगर ये रेंडम होते तो इनके ऊपर भी इसी तरह ये सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है वो वर्क करेगा और उन्हें स्वैप करते हुए उनकी राइट right प्लेसेस पर इंसर्ट कर देगा ठीक है तो ये किस तरह से मर्ज फंक्शन हमारा वर्क करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप कि यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एल्गोरिदम किस तरह रिकर्जेबली वर्क कर रहा है जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है Uh, तब तक आप इसको अच्छे से समझें कोई कन्फ्यूजन हो सजेशन तो देना चाहें या फीडबैक देना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तब तक अल्लाह हाफिज